प्यासी धरती अब दूध का सागर बनने वाली है, क्योंकि यहाँ के प्लांटों में तैयार दूध की लहरों से सराबोर होकर लोग तन मन और धन से भी मजबूत हो रहे हैं। यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट का लाभ पड़ोसी राज्य भी खूब उठा रहे हैं। यह सब संभव हो पाया है बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ की मदद से। अपनी स्थापना के महज 5 सालों में इस डेयरी प्लांट ने सफलता के कई आयाम गढ़े हैं। आज की तारीख में दुग्ध संघ रोजाना दुग्ध समितियों से करीब 80,000 लीटर दूध खरीदता है, जिसका करीब आधा हिस्सा यानी 40,000 लीटर दूध महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाता है। बाकी राज्य भी बुंदेलखंड दुग्ध संघ से दूध खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कितना आप दूध किसानों से खरीद रहे हैं और रोज कितना है दूध? अभी एक्चुअली हमारा 70 से 75 हज़ार पर डे का कलेक्शन चल रहा है और इसी प्रपोर्शन में हमारी सेल भी चल रही है जी। हम 30 से 35 और फेस्टिवल टाइम तो 40 तक हमारी लोकल पाउच मिल्क सेल है सागर और सागर के आसपास के रीजन में, तो बाकी हम बल्क सेल में 30,000 तक सेल कर पा रहे हैं और हम आउट ऑफ स्टेट भी बल्क मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई? जैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर और अदर कोई वेंडर खरीदना चाहे कोऑपरेटिव वाला तो हम सीधा बल्क मिल्क सप्लाई, क्योंकि एक्चुअली जो बल्क मिल्क सप्लाई है लूज मिल्क उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एक समय घाटे में चल रहे इस दुग्ध संघ को यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड विकास पैकेज देकर पुनर्जीवित किया था। आज यही सहकारी दुग्ध संघ सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। इससे जुड़ने के बाद इलाके के दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बड़ी बात ये है कि ऑटोमेटिक प्लांट होने के कारण जहां इसकी क्षमता दोगुनी हुई है वहीं डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इसका श्रेय संयंत्र के प्रबंधक दुग्ध उत्पादकों को देते हैं जो कि मिलावट से कोसों दूर हैं। पहले देखते तो इसकी कैपेसिटी जो थी उससे डबल कैपेसिटी हो चुका है और ये एमपी का फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक स्काडा ऑपरेटेड प्लांट है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन टच है पूरी प्रोसेसिंग में कम से कम है ही नहीं लगभग। वो जो हमने कैपेसिटी है मिल प्रोक्यूरमेंट की और सेल की वो भी हम पहले की जो कैपेसिटी थी हमारी आज से 2-3 साल पहले 5 साल पहले उससे डबल हो चुका है। और एक्चुअली देखा जाए तो एमपी का ये मिल क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा इलाका है, क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं जो किसान है वो एडल्ट्रेशन से बहुत दूर है, वो इस तरीके से कोई अनावश्यक और असामाजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ का जो दूध है क्वालिटेटिव है, अच्छी खासी क्वालिटी है उसकी। और एमपी में हमारे किसी भी अदर सांची ब्रांड की भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी बुंदेलखंड की, इसीलिए बाहर एक्चुअली क्वालिटी होगी। प्रदेश के पहले फुल्ली ऑटोमेटिक बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ में कम मैन पावर में भी ज्यादा काम हो रहा है, जिसका सीधा असर उत्पादन खर्च पर पड़ता है। ऐसे में इसका लाभ इलाके के दुग्ध उत्पादकों को भी मिलता है। बुंदेलखंड से लगे राज्यों की नजदीकी सीमा पर दुग्ध व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी बेहतर गुणवत्ता के कारण ये डेयरी प्लांट न सिर्फ मशहूर हो रहा है बल्कि इसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बुंदेलखंड की धरती की प्यास बुझाने में दुग्ध व्यवसाय सबसे कारगर साबित होगा। सागर से कपिल तिवारी, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।